पूरी करो, पूरी करो। ऑल इंडिया फिल्म एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया फिल्म एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांग है गेट पर यहीं पे आपको आगे आप परेशान मत हो जा, आप कोई दिक्कत नहीं है। खबर करना आप, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। जो आज हम यहाँ पर जमा हुए, हमारी जो मीटिंग होने जा रही है, गैदरिंग होने जा रही है, ये एक प्रोटेस्ट की सूरत में, हम एहतजाज की सूरत में हम यहाँ बैठे हैं कि हम लोग एमईएस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मिलिट्री बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमारी जो ये ठेकेदारों की ये जो मीटिंग हो रही है, हमारे कुछ मुतालबात हैं, कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आज हमने एहतजाज यहाँ पर शुरू किया है। उसके लिए हमने कुछ पॉइंट बनाए हुए, मेमोरेंडम बनाया, तो वो हम अपने जी साहब को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपको ये एक चीज आपके गौर गुजार करूँ कि ये जो एसोसिएशन है ये पूरी ऑल इंडिया में फैली हुई है, ऑल ओवर इंडिया। हमारी 76 ब्रांच हैं, हम एफिलेटेड हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, MOD जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे। अब हमारे कुछ प्रॉब्लम मुद्दे हैं जिनको हमने आज पूरी दिन हिंदुस्तान में, आज ये हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसी सिलसिले में हम भी आज यहाँ जमा हुए। तो हमारी ये मेन मुद्दा रोजी रोटी का, और सही तरीके में काम होना चाहिए, वर्केबल काम होना चाहिए, रेटें ठीक होनी चाहिए, वर्कमैनशिप ठीक होनी चाहिए, जो हमारे मुद्दे हैं उसके ऊपर उसका अमल दरामद हो जाए, चाहे वो दिल्ली में हेडक्वार्टर में हो या जी साहब के ऑफिस में हो। तो ये हमारे आज के जो मुद्दे हैं, उसकी जो हमने आपके गोश गुजार किए, हम चाहते हैं कि ये हमारा एहतजाज आपकी वसाहत से, आपके जरिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में पूरे ये प्रोजेक्ट दर्ज किया जाए कि बारामूला एसोसिएशन के लोग, बारामूला के बिल्डर ऐसे एहतजाज कर रहे हैं, उनका कोई प्रोसेस मसला, जायज मामलात है हमारे। हम कोई सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रहते, ना कोई सियासी लोग हैं, हमारी एक जमात है जिसके हमारे इधर चेयरमैन साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, बाकी भी। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे हैं, एक, लोग यहाँ पर कम रेट पर काम डालते हैं, रेटें डालते हैं, फिर काम नहीं होता, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो कहाँ से कैसे काम करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनको एक साफ कार्डन मिलता है बारामूला G96 में, यहाँ पर अपने ठेके डालते हैं, उनके ऊपर एक रोक लगा जाए, उनसे काम लिया जाए और देखा जाए कि वो माल कहाँ से लाते हैं, कौन सा माल लगाते हैं, अंकुश, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अंकुश लगाना उसको। दूसरी है हमारा, हम लोग यहाँ पर ई क्लास है, ई क्लास हमारी एक क्लास होती है, हमारी टर्निंग लिमिट है 25 लाख की। हम चाहते हैं कि ये हमारा मुद्दा जो है ये 50 लाख तक जाए, वो हमारा हेडक्वार्टर में ही मुद्दा उठा हुआ है, वो ये 50 लाख तक जाना चाहिए। एक और है हमारी परफॉर्मेंस गारंटी उसको बोलते हैं, ये हमारा जब ठेका होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले हमें 5% हमसे लिया जाता है एज ए सिक्योरिटी, ठेका एक्सेप्ट होने से पहले। हम चाहते हैं कि हमारा ये मिलता है हमको 2-3 साल के बाद। हमारा मुद्दा ये कि हमको जो हमारी कंप्लीशन हो जाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए डिपार्टमेंट से, 50% पैसा हमको उस वक्त रिलीज हो जाना चाहिए, ताकि ठेकेदार अपना कुछ काम कर, उसको नहीं तो 3 साल 4-5 लाख रुपए जमा रहते हैं, वहाँ बंद रहते हैं, जिससे ठेकेदार बड़ा डिफेंग हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। फिर हमारा एक आर्बिट्रेशन होता है, मतलब एक कोर्ट केस होता है, आप ये ऐसे समझे कि कोर्ट केस होता है, अगर किसी ठेकेदार को कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है किसी ठेके में, वो डिपार्टमेंट को केस करता है, उसमें केस करने के बाद उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है, वो डिले कर दे, डिले प्रैक्टिस होती है उसमें, उसके ऊपर जो ही अगर ठेकेदार का आर्बिट्रेशन केस हो गया, तुरंत एकदम उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ठेकेदार को इंसाफ मिले और रिलीफ मिले। ये भी एक हमारा एक मुद्दा ये भी इसके ऊपर है। दूसरी हमारी ये एक फाइनल बिल होती है, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारी एक बिल बनती है, फाइनल बिल बनती है। ये दो किस्म के इसमें चेक होता है, एक होता है NTC नॉन टेक्निकल चेक, दूसरा होता है TC टेक्निकल चेक। हम चाहते हैं कि हमारा जो बिल है वो NTC होना चाहिए, ये हमारी, क्योंकि TC चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर हमको यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता है वहां पर, और आज का सिक्योरिटी का मसला, अंदर दाखिल भी नहीं होते, ये लंबा चक्कर, इसको यहाँ ही खत्म करो, NTC करके हमको बिल हमारा हमारे ऊपर तो हमको हैंड ओवर होना चाहिए। यही हमारे कुछ मुद्दे थे आज के, जो हम आपके वसा से हाईलाइट करना चाहते थे। हमें उम्मीद है कि हमारे ये प्रॉब्लम, हमारे मुद्दे, हमारे ये मुतालबात, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो रुकावटें हैं, ये आला हुकाम तक आपके जरिए पहुंची गई, प्रेस के जरिए। आप लोग हमेशा हमारे लोगों की रियायत की नुमाइंदगी करते हैं, वो आपके ही जरिए हर चीज़ आला हुकाम तक पहुँचती है।
इसलिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आप लोग यहाँ तक आए हमारे साथ बैठे। तो इसके अलावा बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आपने जा देखा हमारा आज पीसफुल प्रोटेस्ट एक दिन का था, जो कि हमारी मिस गर्ल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये ब्रांच बारामूला यहाँ पे है, इसके 76 ब्रांच है ऑल इंडिया में। और जो ये आज की स्ट्राइक है, आज का प्रोटेस्ट था, ये पूरा ऑल इंडिया में था, एक ही दिन में एक ही टाइम पे हर एक जगह आज मेमोरेंडम पेश हुए। आज जो भी हमारे जो मेमोरेंडम थे वो हमने पेश कर दिए, और उसके बारे में हमने ये बता दिया जो हमारे चेयरमैन साहब ने भी बता दिया कि आज जो भी मुद्दे थे हमारे, जैसे कि खासकर हमारे मुद्दे थे कि जो रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं वो हमसे दूर हो जानी चाहिए, उसका इजाला होना चाहिए। बहुत वर्क नॉन वर्केबल रेट हो रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं, नए नए, ठीक है, हमें उससे नाराज़गी नहीं है, लेकिन कुछ वर्केबल रेट हो, कोई अच्छी कंपटीशन हो, ताकि यहाँ पे काम सही से चले। ये सारे मुद्दे हमारे थे, और हमारी कुछ मुद्दे जैसे हमने आपको मेमोरेंडम भी दे दिया, अपना प्रेस रिलीज भी दे दिया, उसमें सारे मुद्दे हमने पूरे दर्ज कर दिए हैं। और मुद्दा और मकसद यही है कि ये जो हमारी अपनी मसाइल आज उजागर करने थे, अपने अपने सारे जहाँ पे जो रिप्रेजेंट हमारे यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर थे, जैसे कि हमारे आज गरीजन इंजीनियर 969 यहाँ पे हमने इनको मेमोरेंडम पेश कर दिया, श्रीनगर में आज चीफ इंजीनियर 31 सवेरिया को पेश किया गया, और हमारे जम्मू में भी गए, जहाँ पे भी जो भी ऑल इंडिया में इस वक्त जहाँ पे भी जो भी ब्रांच है उनने अपने अपने जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं उनको आज मेमोरेंडम पेश किया। और मेमोरेंडम में यही प्रोटेस्ट था कि आज हमारी एक आवाज़ है, हम एक आवाज़ पर हम सारा काम करते हैं। दिल्ली से आवाज निकली और बारामूला तक पहुंच गई, और बारामूला ने इसको लब्बैक करके उसको आज प्रोटेस्ट को इत्मीनान काम किया है। थैंक यू वेरी मच।